हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीबीआर स्टडी। कैसे हैं साथियों आप सभी? कमेंट करके ज़रूर बताना अपनी खैरियत, कम से कम हम तो पूछ रहे हैं। आज आप पढ़ेंगे मैथमेटिक्स का आपका 15वां भाग, जिसके लिए आप लोग बहुत सारा कमेंट करते हैं कि सर पढ़ाइए पढ़ाइए, ये क्लास क्यों बंद हो गई, मैथ आएगी नहीं बल्कि दौड़ेगी। तो साथियों ये बंद नहीं हुई है बाबू, बिल्कुल भी बंद नहीं हुई है। आज आप इसे पढ़ेंगे और इसे कौन कौन पढ़ेगा यहाँ पर आप लोग देख लो। इधर साइड में आप लोगों को दिख रहा है, जो भी कैंडिडेट आपका टेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे वो किसी भी राज्य का टेट है, यूपी टेट, बिहार टेट, झारखंड टेट, हरियाणा टेट, किसी भी राज्य का या फिर सी टेट, कोई भी एग्ज़ाम है इस तरह का, तो आपके लिए विशेष इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो भी SSC के कैंडिडेट हैं उनके लिए भी है, और RRB मीन्स की रेलवे, इनके लिए भी है, और जो भी बच्चे मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं या फिर वो BTech वगैरह कर रहे हैं, उन सब के लिए भी है। कहने का मतलब ये कि ये जो कॉन्सेप्ट वाली क्लास है वो सब के लिए महत्वपूर्ण है। बात आप समझ रहे हो ना? चलिए फिर शुरू करते हैं। क्लास को पूरा एंड तक देखना, अगर आपको मैथमेटिक्स नहीं आती है तो बीच में छोड़ के ना जाना, अगर सीखना है तब, ठीक है। जो चीज़ें पढ़ाई जाएंगी बिल्कुल दिल लगा के सीखना, कुछ भी मुश्किल नहीं होता ज़िंदगी में, सब आसान है, बस आपको पॉजिटिव बने रहना है। स्क्रीन पर आपको कुछ लाइनें दिख रही हैं, जो लोग अपनी तुलना दूसरे व्यक्तियों से करते हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि सूर्य और चंद्रमा अपने अपने समय पर चमकते हैं। दिन में सूर्य का कर्तव्य दिखता है, मतलब कि क्या उनकी मतलब महिमा है ना, रात में नहीं दिखता, लेकिन रात में चंद्रमा का दिखता है। तो कहने का ये मतलब है, इसका ये तात्पर्य है कि आपका भी दिखेगा, बस धैर्य बना के रखो। ऐसा तो नहीं कि सूर्य रात में नहीं दिखता तो दिन में खुदकुशी कर ले वो अगले दिन कि भाई अगले दिन हम नहीं आएंगे, अब रात में तो हम दिख ही नहीं पाते हैं। हाँ, बस मोटिवेट रहो, खुश रहो, और लेकिन मेहनत करते रहो साथ साथ में। मेहनत करना कभी बंद नहीं करना है, ये नहीं कि कोई भी एग्जाम में गड़बड़ी हो गई, कुछ नहीं हो रहा है तो तुम पढ़ाई बंद कर दो, नहीं। चलो आगे देखते हैं, आज हम जो पढ़ेंगे वो क्या है टॉपिक। इसमें देखिए, पिछली क्लास में आप लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट बेसिक वाले सब पढ़ लिए थे, जिसमें आप नंबर सिस्टम का ही पढ़ रहे थे। आज आप पढ़ेंगे ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइमरी नंबर और कंपोजिट नंबर, हिंदी में भी बताएंगे इसको, जिसे बोलते हैं सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य और अभाज्य संख्या। इनका बिल्कुल जीरो लेवल से कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे, क्योंकि ये क्लास वो बच्चे पढ़ते हैं जिनको मैथमेटिक्स नहीं आती है और वो सीखना चाहते हैं। देखिए टाइटल यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये टॉपिक है आज के, ध्यान से देखो आप लोग। ये बताओ क्या ये रेड कलर दिख रहा भाई कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा होगा, थोड़ा कम दिख रहा है ना ये। चलो टॉपिक में क्या क्या है, सबसे पहले इवन नंबर मीन्स की सम संख्या, आज हम सबसे पहले इसके बारे में अध्ययन करेंगे बिल्कुल गहराई से, जीरो से। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑड नंबर, ऑड नंबर के मतलब होता है विषम संख्या, क्या होता भाई विषम संख्या। क्लास को पूरा एंड तक देखना, मैं अभी भी बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है, बिल्कुल जाना नहीं छोड़ के। इसके बाद क्या पढ़ोगे आगे देखते चलो, इनको आप लोग लिख लीजिए। देखिए चारों ये हम आप पढ़ेंगे पहले स्टार्टिंग में। प्राइम नंबर मीन्स अभाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या। ध्यान से देखना, बिल्कुल समझने की कोशिश करना, बहुत ही आसान है ये। आपके कंपटीशन की परीक्षाओं में कुछ क्वेश्चंस भी इन पे आधारित आते हैं, अगर आपको ये बेसिक नहीं आता तो आप उसमें लटक जाओगे। ऐसे समझ लो कि जैसे आलू, आपने देखा पोटैटो, पोटैटो तो हर जगह यूज होता है, आप सिंपल सी सब्जी बना रहे हो तब भी गाँव में लोग उबाल के भी खाते हैं, भूज के भी खाते हैं, पकौड़ी भी बनती है, हाँ मतलब समोसा भी बनता है, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। लेकिन अगर कहो अकेले आलू, तो भाई अकेले आलू तो कोई जल्दी नहीं खाता, हाँ बड़ी मजबूरी में खाता है। तो कुल मिला के इसका मतलब ये है कि जो बेसिक मैथ है ये आलू की तरह है, ये कई जगह यूज होते हैं, समझ रहे हो, ये ज़रूरी है, लेकिन बगैर आलू की बहुत सारी सब्जियां नहीं बन पाती हैं, है ना, समझ गए, वैसे ये इम्पोर्टेंट है। तो भैया ये इवन नंबर क्या है, सम संख्या। वैसे तो जैसे इस समय ज़माना टेक्निकल हो रहा है, थोड़ा थोड़ा स्मार्ट हो रहा है, वैसे हमें भी होना है। पहले तो हम लोग ये पढ़ते आए हैं कि वो संख्याएं जो दो से पूरी तरह से विभाजित हो जाती हैं वो सम संख्याएं कहलाती हैं, मतलब दो से भाग करने पर शेषफल जीरो आ जाए तो वो सम संख्या है। लेकिन ये जो सिस्टम है ये हर जगह काम तो करता है लेकिन थोड़ा बड़ा लगता है, जैसे 18 लिखा है, ये सम है या विषम है इसको जानने के लिए हम क्या करते थे, पहले ये दो से भाग करते थे तो दोनों 18 और ये शेषफल जीरो आ गया,
मतलब ये सम संख्या है। अगली संख्या जैसे मैंने लिख दिया मान लो 13, अब ये सम है कि विषम है, इसको भी 2 से भाग करते थे और अगर शेषफल 0 नहीं आया तो यानी ये 13 क्या है, 13 ये विषम संख्या है, मीन्स ऑड नंबर है। लेकिन ये छोटी छोटी गिनती थी, चल गया भाई, चल गया जब तक तब तक चल गया। अब अगर ये नंबर आ गया 19057254, अब भैया इसको कहो कि 2 से भाग करो, तो आजकल कॉम्पिटिटिव जीवन चल रहा है, इसमें 2 से भाग करेंगे तो कम से कम 2 मिनट लगेगा और उतना देर में तो कंपटीशन में हम लोग गड़बड़ा जाएंगे। तो इसके लिए अब हम आपको कुछ स्पेशल तरीका बताएंगे, थोड़ा सा अलग, आप समझने की कोशिश करो इधर साइड में। अब ऐसे समझ लो कि वो संख्याएं जिनका लास्ट का अंक यानी अंतिम अंक, आपको इसको भाग वाग कुछ नहीं करना, सिर्फ देखना है, बस प्यार से देखना। लेकिन चलो देखो मगर प्यार से, कैसे मतलब समझो, वो संख्याएं जिसका अंतिम अंक यानी कि लास्ट डिजिट क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से अगर कोई भी अंक है, कोई भी एक, इसका लास्ट का एक ही पकड़ना है तो वो सम संख्या है, अन्यथा विषम संख्या है। आप सभी कमेंट करके बताओ ये सम है या विषम। बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं नीचे, मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन माफ़ी चाहता हूँ, मैं सिर्फ पढ़ा ही सकता हूँ। AK जी बिल्कुल आपका कमेंट आ रहा, सौरभ पांडे, रविशंकर, प्रियांशु, प्रियंका, नंदन, और कौन है भाई, मनीषा शर्मा, सभी के कमेंट मुझे दिख रहे हैं, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा तो कमेंट का पढ़ूंगा, इसलिए निवेदन है चुपचाप पढ़ाई कर लो। हाँ चलो ठीक है, बाकी जो बातें होंगी कमेंट करोगे तो बाद में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। चलो ये सम समझ गए, सम विषम, ये बताओ सम है या विषम, जल्दी बोलो फटाफट। अगर ये सम संख्या है तो तुम क्या लिखोगे, ई लिख के कमेंट करो, ई मीन्स इवन नंबर। अगर ये विषम संख्या है तो ऑड नंबर मीन्स ओ लिख के कमेंट करो, बताओ। चलो सम है तो ई, विषम है तो ओ, जल्दी जल्दी कमेंट करो फटाफट, देर ना करो भाई, कोशिश करोगे तभी कुछ होने वाला नहीं, ऐसे कुछ होने वाला है नहीं, ये समझ गए। अच्छा अभी हम एक्सरसाइज बाद में देंगे, अगला भी समझ लो। विषम संख्या क्या है, वो संख्याएं जिसका अंतिम अंक लास्ट का डिजिट 13579 हो, वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। बस आपको चुपचाप इनको देख लेना है, चुप्पे से, बाकी कुछ नहीं करना, छेड़ना नहीं इनको, सिर्फ देख लेना है बस। 13579 हो लास्ट का डिजिट, वो क्या होगी, विषम संख्या होगी। बाकी वो 2 से भाग करने वाला सिस्टम पुराना हो गया घिसा पिटा, अब बहुत टाइम लग जाएगा अगर भाग करोगे तो क्या करें, फिर आगे बढ़ें। चलो देखो आगे समझो, हाँ ये ठीक है, सम विषम आप समझ गए भाई। ये सम संख्या क्यों है, ऊपर वाला मैंने कहा था सम संख्या है ना, क्योंकि इसका जो लास्ट का डिजिट है भाई साहब बाबू, जो इसका लास्ट का अंक है वो क्या है, 4 है, क्या है, 4 है, और 4 किस में है, देखो विषम वाले के आगे में है कि सम वाले में है, तो ये यहाँ छुपा पड़ा है। हाँ बात समझ में आ गई, ये क्या था सम संख्या, देख रहे हो बह जा रहा है, जैसे लग रहा है कट गया, अरे ये रेड कलर का स्याही निकल रहा है इसमें, बड़ी खतरनाक है यार ये, क्या बताऊं मैं इसको। चलो हो गया, अब मुझे ये बताओ, चलो क्वेश्चन नंबर मान लो मैंने बी लिखा है, तो भाई साहब ये सम है या विषम, जल्दी बोलो बी नंबर का। अगर सम है तो ई लिख के कमेंट करना, ई फॉर एलिफेंट, अगर विषम है तो ओ लिख के कमेंट करना, ओ फॉर राहुल मीन्स उल्लू। चलो जल्दी करो फटाफट, फटाफट कमेंट करो भाई साहब, चलो 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 8000, फटाफट हर कोई कमेंट करेगा, सम है कि विषम है, सम है कि विषम है, कोशिश करो। चलो ये था बहुत ही आसान, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ऑड और इवन नंबर, ठीक है, समझ रहे हो बातें हमारी कि नहीं समझ रहे हो आप लोग, तो ऑड और इवन नंबर इसमें समझ लो। लेकिन हमें लग रहा है कि ये क्लास बड़ी हो जाएगी क्या, चलो आप लोग जल्दी टाइटल डालो फटाफट। अब ये दोनों आप लोग समझ गए, ऑड और इवन समझ गए, अब प्राइम एंड कंपोजिट नंबर टाइटल लिखो फट से। साथियों अगला देखो, आप क्या पढ़ोगे, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर, मीन्स भाज्य और अभाज्य संख्याएं, वह संख्याएं जो कम से कम 2, मतलब 2 या 2 से अधिक संख्याओं से पूरी तरह से विभाज्य हों
वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, लेकिन इसमें एक को शामिल नहीं किया जाएगा, मतलब क्योंकि एक से सारी संख्याएं विभाज्य होती हैं, ठीक है। दो या दो से अधिक संख्याओं से पूरी तरह से भाज्य होनी चाहिए, वो क्या होती है, भाज्य संख्या। अगर नहीं होता ऐसा तो वो अभाज्य संख्या है। इसकी फुल डिटेल आप अगली क्लास में देखेंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल है, दिल में कुछ भी आप कहना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करना। अभी जाना नहीं, खत्म नहीं हो रहा है, नहीं तो सोचो खत्म हो गया। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा इसे साथियों में आप शेयर करो, और उसके बाद में अगर जितने ज़्यादा बच्चे देखेंगे, हम आपको इसके लिए एक कोर्स दे देंगे, 3-4 घंटे की मैथ यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री, आप एक ही वीडियो में सब सीख जाओगे। लेकिन इसके ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज आएंगे तो हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, हिम्मत मिलेगी कि भाई मैं 4 घंटे लगातार पढ़ा सकूँ, एक वीडियो बना सकूँ 4 घंटे का। लेकिन अगर आप 10 मिनट का वीडियो वायरल नहीं करोगे इस तरह से, तो भाई मैं 4 घंटे कैसे पढ़ाऊँगा। हाँ, चलिए आगे देखते हैं। आपका प्राइम और कंपोजिट क्या है, इसको देखो।